सूर्य प्रकाश बिहार के गया शहर से। पेशेंट है मेरी बेटी, ये 11 साल की है। इसको जन्म से ही सुनने की तकलीफ है, उसकी वजह से बोल नहीं पाती है, आम आदमी की तरह बातचीत कर नहीं पाती है। 3 साल में पता चला कि तकलीफ है, तो हॉस्पिटल दिल्ली में बड़ा फेमस है, वहाँ गए। उसके बाद कॉकरेल प्लांट का प्लानिंग हुआ, तो लेकिन वहाँ बता दिया गया कि नस ही नहीं है बाईबॉर्न, ठीक है, बाईबॉर्न बताया गया कि नस है ही नहीं कान में, जो कान से जो नस जाते हैं दिमाग में, वो नस है ही नहीं, तो सुन नहीं पाएगी। रेफरेंस मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया था कि अहमदाबाद में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर परवीन सुराना करके, तो पता किया, बोले यूट्यूब पर वीडियोज है, यूट्यूब पर वीडियोज हम लोगों ने देखा, कुछ समझ में आया, तो फिर यहाँ आ गए। और सब जगहों से तो सेटिस्फाइड हूँ। ज़्यादा भाग दौड़ ना करें और जितना जल्दी हो सके यहाँ डॉक्टर साहब से आकर के मिलें, और रिजल्ट मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि कम खर्च में अच्छा इलाज मिल रहा है यहाँ पर। आपने अभी तक मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि 10 लाख से कम खर्च किया होगा अभी तक, 4-5 अस्पताल मिला करके। और जो मशीन लगाई, इससे पहले भी 1 लाख रुपये का मशीन लगाया था, अभी भी इसके हाथ में कान में जो मशीन लगी थी कुछ देर पहले तक, वो भी करीब 1.5 लाख रुपये का मशीन है, ठीक है। आने जाने में बहुत खर्च होता है, बहुत प्रेशर होता है, और उसके वजह से बच्चे को बोर्डिंग में रखने का, बच्चा भी माँ बाप से अलग रहा, तो काफ़ी तकलीफ होती है। शॉर्ट फैमिली में तो और ज़्यादा होती है, और जिनके पास पैसे ना हो तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम है। ईश्वर की कृपा से भगवान ने दिया है, तो जितना हो सकता था हम लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी अब करते ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने टाइम दिया, तो रिजल्ट अच्छा लग रहा है।